नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। हमारे देश की भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड में राज्यपाल थी, तब झारखंड में ऐसे कई आदिवासी विरोधी कार्य झारखंड सरकार के द्वारा किए गए जिस पर द्रौपदी मुर्मू चुप रहीं। मसलन द्रौपदी मुर्मू के राज्यपाल रहते ही झारखंड में आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद CNT SPT एक्ट में संशोधन की कोशिश भी की गई, जिसके खिलाफ व्यापक आंदोलन की शुरुआत हुई और सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के राज्यपाल रहते हुए आदिवासियों को माओवादी बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। सैकड़ों आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल लाकर आदिवासियों की जमीनों को हड़पने की शुरुआत हुई। पत्थलगाड़ी आंदोलन के वक्त हजारों आदिवासियों समेत कई आंदोलनकारी बुद्धिजीवियों पर देशद्रोही के मुकदमे थोपे गए। अमर शहीद फादर स्टैन स्वामी पर भी इसी दौरान देशद्रोही के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मोमेंटम झारखंड के नाम से इसी समय झारखंड की जमीन को देशी विदेशी पूंजीपतियों को सौंपने के लिए 210 देशी विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन किए गए। कई जगह आदिवासियों की जमीन जबरन छीनकर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दी गई। इस दौरान कई विस्थापन विरोधी आंदोलन पर पुलिस की गोलियां भी चली और देश में पहली बार किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन समिति को इन्हीं के कार्यकाल में झारखंड सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो हमारी होने वाली राष्ट्रपति हैं, चुप रही। ये फेहरिस्त और लंबी हो सकती है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार या हमारे भावी राष्ट्रपति होने पर लहालोट होने वालों से गुजारिश है कि सिर्फ इनके आदिवासी और महिला होने पर ना जाकर इनकी विचारधारा और इनके कार्यों पर नजर दौड़ाएं। बाकी विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के संघी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कुकर्मों की लंबी लिस्ट हमारे पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में राष्ट्रपति पर केंद्र सरकार के रबर स्टैंप के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपने घर में हैं, हम अपने स्टूडियो में हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।